और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जगदलपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर एक हादसा हो गया। जी हां, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेंद्र वाजपेयी विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, सड़क हादसा हुआ है जगदलपुर में जहां पर 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा था, क्या कुछ था जानकारी? वाहन भरकर अवैध रूप से सवारी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था और ये पिकअप वाहन नेशनल हाईवे के पास रायकोट में जब पहुंचा तो पलट गया और पलटने से इतनी ज्यादा मौत हुई है और बहुत से लोग घायल हुए। इनमें 5 से अधिक लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है और एक तरीके से बस्तर के जो साप्ताहिक हाट बाजार होते हैं उनमें इसी तरीके से अवैध रूप से पिकअप वाहन में जिनमें सामान ढोया जाता है उनमें इस तरीके से ग्रामीणों को भरकर लाया जाता है और इस ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। असल में पुलिस को चाहिए कि इस तरीके से जो अवैध परिवहन का कारोबार है उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए ताकि इस तरीके के हादसों पर ब्रेक लग सके। लेकिन पुलिस इस मामले में अभी क्या कर रही है इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। पुलिस घटनास्थल तक पहुंची भी है कि नहीं पहुंची ये भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ 112 को कॉल करने के बाद पहुंच गई थी और सारे घायलों को मेडिकल कॉलेज जगदलपुर तक पहुंचाया जा चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।